रुहान अरशद का ब्लॉग चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम रुहान अरशद फ्रॉम हैदराबाद। बोले तो एकदम क्या मतलब बेटे, खाने को टाइम है कहते ठहरो जरा, नहीं खोले खाना कर रहे यार। गाड़ी लगा लेके आ जाओ, सीधा जाके लेफ्ट लगा लो भाई। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रुहान अरशद फ्रॉम हैदराबाद। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर खुशामदी। तो आज का ब्लॉग है, मैं जा रहा हूँ आज इफ्तार पार्टी में शहबाज भाई वालों के साथ। शहबाज भाई कॉल करे थे, शहबाज भाई अरे इफ्तार पार्टी है रुहान, जाना है अपने को वेडनेसडे के दिन। तो चलो मैं वेडनेसडे के दिन भी एक ब्लॉग बना के आप लोगों को बता सकता हूँ। इसके लिए मैं आप कैमरा उठाया आप लोगों को बताने के लिए। तो मैं रेडी हो गया, अभी निकलेंगे अपन यहाँ से। ज्यादा बात नहीं कर तुम ब्लॉग में, पहले वहाँ निकलेंगे अपन। वहाँ जाने के बाद वहाँ का शूट करेंगे, क्योंकि रोजा बहुत दबा के लग रहा और टाइम भी बहुत कम है अपने पास इसलिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन द वे। आमिर बिन सईद इन द बिसाइड सीट। ओ माय गॉड, परसों शहबाज भाई के साथ असद साहब बैठे, हमारे साथ आमिर साहब बैठे। माशाल्लाह से खुशनसीबी है और भाइयों की मोहब्बत है। अल्लाह ताला जब देने बैठा तो क्या है, पर भार के नमाज। बिल्कुल भाई, अल्लाह ताला के पास सिर्फ देर है, अंधेर नहीं है। पहले अलग कर देती थी ऑडियंस अपनी, जरा गाड़ी का नंबर दिखा कि चालाना चक करके बोलती थी। बीच में मैं क्या करा, फोटो लेके डाला, अरे कितने चालाना है अपन कहीं को देखना, वो लाइन बोलते बोल के। तो एक जना हमारा भाई गाड़ी पे 200 है, बोला चलो क्लियर कर लो, 25 रुपए बना, खत्म। ऐसा है समझ। तो आज का जो इफ्तार है बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी के पास है, हमारे बड़े भाई है और बहुत ग्रेट जेंटलमैन है। और ये सामने जो कार मुड़ रही, यही वो कार है जो थोड़े दिन पहले जो सुर्खियों में चल रही थी, यही कार है। 4-7 जी हाँ। देखिए भाई ने तो इसके भी चालाना निकाल के बोलेंगे लोग, बंदो ही बोल देना आप बोले। और ये है आज का डेस्टिनेशन जहाँ पर ये इफ्तार का इंतजाम है। ही टावर बोले, ये तो गार्डन टावर बोले भाई। मैं समझा कौन सा, ये गार्डन होगा समझा, वैसा समझा भाई। गार्डन ही है ना भाई, मतलब एकदम अपना सिंपल में भाईचारे में बिल्कुल ज्यादा। बहुत ही खरीबी मामला है, कार यहाँ अंदर जा रही और यहाँ पर हमारी टीम है पूरा। ये माजिद पे उतर रही, ये हमारे आतिफ पे उतर रहे, ये आयान साहब है और वो है शहबाज खान साहब उफ नूर भाई, नूर भाई। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त हम लोग आए हुए हैं गार्डन टावर में। हमारे साथ है वन एंड ओनली हमारे बड़े भाई आसफ टैंक के प्रेसिडेंट साजिद खान साहब, जो कि हमेशा हम लोग को सपोर्ट करते हैं गार्डन टावर में। कई सारे वीडियोस हम लोग शूट करें तो भैया के सपोर्ट से, और आसफ टैंक पे कहीं पर भी शूट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह भैया हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो आज यहाँ पर बेहतरीन इफ्तार पार्टी है और ये रुहान अरशद का ब्लॉग चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम रुहान अरशद फ्रॉम हैदराबाद। बोले तो एकदम क्या चेंज हो गया। अस्सलाम वालेकुम रुहान भाई, लोग मचा दे रहे हैं नाथ पढ़ के और इंशाल्लाह और बेहतरीन आने वाले। Oh, oh, oh.
पाया मौला, हमने टूटी फूटी तरीके से इबादत की मौला, हमने टूटे फूटे तरीके से रोजे रखे मौला, कुछ भी लफ्ज़िश खता गलती एहतमाम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह शब कदर जब नसीब हो जाए मेरे मौला तो उसे कबूल अता फरमा दे, इब्राहिम नबी से मुसाफा अता फरमा दे मौला, इबादत ताला जितनी हिफाजत फरमा दे मेरे मौला, बिल्कुल माए हक का साया बरदार बना मौला, जिस किसी की औलाद ना फरमान है मौला अपने वालिदैन का फरमा बरदार बना। अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाह। नबीयुन 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 नबी बहुत मजा आया और बहुत प्यारा और बहुत बेहतरीन इफ्तार की दावत थी। बहुत दिनों के बाद ये पहली इफ्तार की दावत मैं अटेंड करा और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शहबाज खान और उनकी टीम का और साजिद साहब का जो मेरे को इफ्तार की दावत में बुलाए और शिरकत करने का मौका दिए। और इंशाल्लाह अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ दो में याद रखिए मासलामा।